नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। नंबर वन, तंदूरी चपाती को नरम बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा दही मिला दें और गुनगुने पानी से आटा लगाएं। तंदूरी चपाती सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगी। नंबर टू, पनीर बनाने के बाद बचे हुए पानी से आटा लगाने से तंदूरी चपाती नरम बनती है। नंबर थ्री, दाल के चिल्ले बनाते समय घोल में 2 बड़े चम्मच चावल का आटा मिला दें। चिल्ले खस्ते और क्रिस्पी बनेंगे। नंबर फोर, इडली डोसे का मिक्स खट्टा हो गया हो तो इसमें नारियल का दूध मिला दे, खट्टापन निकल जाएगा। नंबर फाइव, बचे हुए पिज्ज़ा या नान को गर्म करने से यह सूखा और बेस्वाद हो जाता है। माइक्रोवेव में पिज्ज़ा स्लाइस को गर्म करते समय साथ में 1 कप पानी रखें, उसकी ताजगी बरकरार रहेगी। नंबर सिक्स, करेला स्वाद के लिए बहुत अच्छा है लेकिन हर किसी को करेला टेस्टी नहीं लगता है। करेले की कड़वाहट खत्म करने के लिए कटे हुए करेले को नमक वाले पानी में 20 मिनट के लिए डाल दें, पानी निकाल कर पकाएं। नंबर सेवन, करी के लिए मसाले भूनते समय तीव्र रंग के लिए उसमें चुटकी भर चीनी डाल दें। नंबर एट, अगर दूध उबल जाए तो उसे साफ करना बहुत सिरदर्द का काम होता है। इससे बचने के लिए जब भी आप दूध उबालें तो दूध उबालने वाले बर्तन पर एक लंबी लकड़ी की चम्मच रख दें। नंबर नाइन, नींबू का रस निकालने से पहले उन्हें थोड़ी देर गर्म करके फ्रिज में रख दीजिए। आप चाहे तो उन्हें गर्म पानी वाले बाउल में डाल सकती हैं या उन्हें कुछ देर के लिए माइक्रोवेव में गर्म कर सकती हैं। नंबर टेन, जब भी हम गोभी बना रहे हों तो उसकी गंध से बचने के लिए उसमें ब्रेड का एक स्लाइस डालें। नंबर इलेवन, तेल का काम होने के बाद ठंडा करके उसे छान ले। ऐसा करने से आप तेल को दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार कर सकते हैं। नंबर 12, पालक उबालने के बाद अपना रंग खो देता है। इससे बचने के लिए पालक को उबालने के तुरंत बाद 5 मिनट तक बर्फ के ठंडे पानी में डाल दें। नंबर 13, पनीर को अगर फ्रिज से निकाला है तो उसे थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर रहने दे, या जल्दी हो तो उसे हाथों की मदद से रोल करें जिससे वह थोड़ा सॉफ्ट हो, वरना उसकी क्रस्ट हार्ड हो रहेगी। नंबर 14, रोटी किचन टिश्यू में ही रहे, कपड़े में वो जल्दी पसीज जाएगी। नंबर 15, अगर अंडा फूट गया हो और तब भी उबालने की ज़रूरत पड़े तो पानी में थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दे, ऐसे में अंडे का लिक्विड बाहर नहीं आएगा। नंबर 16, मिक्सी के जार में बेकिंग पाउडर और नींबू का रस डालकर साफ करने से जार में बदबू नहीं आएगी। नंबर 17, घर में पिसा हुआ अदरक और लहसुन का पेस्ट अगर आपको ज़्यादा दिनों तक स्टोर करके रखना है तो सेफ संजीव कपूर के अनुसार आपको इस पेस्ट में थोड़ा सा नमक और तेल मिलाकर स्टोर करना चाहिए। ये तरीका आपके पेस्ट को ज़्यादा दिन तक बचा सकता है। नंबर 18, खसखस को ग्राइंड करना मुश्किल होता है और उसका पाउडर कई चीज़ों में इस्तेमाल किया जा सकता है, पर अगर आप खसखस के छोटे छोटे बीजों को अच्छे से ग्राइंड करना चाहती हैं तो क्यों ना उसे गर्म पानी में 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया जाए। इसके बाद खसखस को ग्राइंड करना बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 19, अगर आपको हरी सब्जियां या साग खाना पसंद है तो यकीनन फ्रेश साग बनने के बाद आया गहरा हरा रंग भी पसंद होगा। अगर ऐसा है तो क्यों ना 1-2 या उससे ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में रखे हुए साग को भी वैसे ही रंग में पकाया जाए। इसके लिए आपको अलग से कलर का इस्तेमाल नहीं करना होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप उन्हें पकाते समय उन्हें ढके ना, ढकने से साग का ओरिजिनल पिगमेंटेशन फीका पड़ जाता है और पकने के बाद भी वह वैसा रंग नहीं आता है जैसा आना चाहिए। नंबर 20, पराठों को टेस्टी बनाने के लिए आटे में उबला आलू कद्दूकस करके मिला लें। पराठे अगर ऑयल या घी के जगह बटर से सेके जाए तो अधिक टेस्टी बनते हैं। नंबर 21, ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप सत्तू मिला लें, इससे ग्रेवी तो गाढ़ी होगी साथ ही टेस्टी भी हो जाएगी। नंबर 22, पकौड़े बनाते समय अगर उसके घोल में एक चुटकी अरारोट और थोड़ा गर्म ऑयल मिला दिया जाए तो पकौड़े अधिक कुरकुरे और टेस्टी बनते हैं। नंबर 23, पकौड़े सर्व करते समय
इस पर चाट मसाला छिड़के, इससे ये अधिक टेस्टी लगते हैं। नंबर 24, भिंडी को ज़्यादा समय तक फ्रेश रखने के लिए उस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें। नंबर 25, रायते में हींग जीरा भूनकर डालने की बजाय अगर हींग जीरे का तड़का लगाया जाए रायता ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। नंबर 26, दही जमाने के लिए जामन नहीं है तो गुनगुने दूध में एक हरी मिर्च डालकर रखने से भी दही तैयार हो जाता है। नंबर 27, तंदूरी चपाती को नरम बनाने के लिए आटा लगाते समय उसमें थोड़ा दही मिला दें और गुनगुने पानी से आटा लगाएं। तंदूरी चपाती सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।